हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडा। तो आज हम बात करने वाले हैं एमएक्स प्लेयर की 10 बेहतरीन हिंदी डब्ड चाइनीज रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा सीरीज के बारे में, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर बनी है, जो आपको स्टार्ट टू एंड एंटरटेन करेगी। ये लिस्ट मैंने आईएमडीबी रेटिंग के आधार पर बनाई है और इस लिस्ट मैंने सिर्फ उन्हीं ड्रामा सीरीज को इंक्लूड किया है जिन्हें बहुत ही कम लोगों ने देखा है, लेकिन ये सभी सीरीज एक से बढ़कर एक है। तो काउंटडाउन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि मेरा काम जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए आज का टॉप 10 काउंटडाउन शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पर जो सीरीज है उसका नाम है लव बेटर देन इमोर्टलिटी। ये 2019 में आई रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा सीरीज है जो कि वन टाइम वॉच सीरीज है और इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग है 7.6/10 और 89% गूगल यूजर ने लाइक किया है। कमाल की है सीरीज, हिंदी डब में एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल है। तो नंबर 9 पर जो सीरीज है उसका नाम है द लव बाय हिप्नोटिक। ये 2019 मई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जो कि वर्थ वॉचिंग सीरीज है और इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग है 7.7/10 और 95% गूगल यूजर ने लाइक किया है और ये सीरीज है वो हिंदी डब में एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल है। तो नंबर 8 पर जो सीरीज है उसका नाम है ए लव सो रोमांटिक। ये 2020 मई हिस्टोरिकल रोमांटिक ड्रामा सीरीज है जो कि मस्ट वॉच सीरीज है और इस सीरीज को माई ड्रामा लिस्ट पर 7.7/10 की रेटिंग मिली हुई है और 82% गूगल यूजर ने लाइक किया है। कमाल की है सीरीज, हिंदी डब में एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल है। तो नंबर 7 पर जो सीरीज है उसका नाम है लव ओ टू ओ। ये 2016 मई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जिसे आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए और इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग है 7.9/10 और 93% गूगल यूजर ने लाइक किया है और ये सीरीज है वो हिंदी डब में एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल है। तो नंबर 6 पर जो सीरीज है उसका नाम है सॉन्ग ऑफ यूथ। ये 2021 मई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जो कि वन टाइम वॉच सीरीज है और इस सीरीज को माई ड्रामा लिस्ट पर 8/10 की रेटिंग मिली हुई है और 75% गूगल यूजर ने लाइक किया है। कमाल की है सीरीज, हिंदी डब में एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल है। तो नंबर 5 पर जो सीरीज है उसका नाम है लव ऑफ थाउजेंड ईयर्स। ये 2020 मई हिस्टोरिकल रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा सीरीज है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए और इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग है 8.1/10 और 85% गूगल यूजर ने लाइक किया है और ये सीरीज है वो हिंदी डब में एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल है। तो नंबर 4 पर जो सीरीज है उसका नाम है पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर। ये 2019 मई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जो कि वर्थ वॉचिंग सीरीज है और इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग है 8.1/10 और 79% गूगल यूजर ने लाइक किया है। कमाल की है सीरीज, हिंदी डब में एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल है। तो नंबर 3 पर जो सीरीज है उसका नाम है द लॉन्ग बेलेड। ये 2021 मई रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा सीरीज है जो कि मस्ट वॉच सीरीज है और इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग है 8.3/10 और 94% गूगल यूजर ने लाइक किया है और ये सीरीज है वो हिंदी डब में एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल है। तो नंबर 2 पर जो सीरीज है उसका नाम है माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन। ये 2019 मई रोमांटिक साईफाई कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जिसे आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए और इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग है 8.3/10 और 95% गूगल यूजर ने लाइक किया है। कमाल की है सीरीज, हिंदी डब में एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल है। तो फाइनली बात करते हैं नंबर 1 की। तो नंबर 1 पर जो सीरीज है उसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। ये 2021 मई रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा सीरीज है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए और इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग है 8.5/10 और 93% गूगल यूजर ने लाइक किया है। कमाल की है सीरीज, हिंदी डब में एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल है। तो आज का मेरा वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना।